चलो सब लोग बैठ जाओ और आज का सबक सुनो। आज का सबक है, किसी भी तरह का डर हमारे दिल और दिमाग की सोच होती है। डर को निकालना हो तो सोच बदलनी होगी और सोच बदल दी तो जीत पक्की है। कहानी सुना के समझाओ ना रानी माँ। ठीक है, दूध पियो और कहानी सुनो। पियो, तुम भी पियो। यह कहानी है एक चिड़िया पोंपू की। पोंपू कुछ भी करने से बहुत डरता था, इस कारण से उसकी माँ बहुत परेशान थी। नहीं, डर मत, जा उड़। नहीं, कहा ना नहीं उड़ना, मुझे ट्यूशन छोड़ के आओ, नहीं तो मैं यही ठीक हूँ। डोंपू मामा पहली बार आ रहे हैं, क्या कहेंगे, पोंपू अभी तक उड़ नहीं सकता। कहने दो। ओफो, समझ नहीं आता तेरा क्या करूँ। चल जा। मैं डरपोक। अभी तक उड़ना भी नहीं सीखा। तुम लोग उड़ो ना, मैं जो चाहूँ करूँ। क्वाइट। हाँ? आज की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। पोंपू, कोशिश करोगे ना? या व्हाटएवर। डर को हटा के मन से बटू आगे चल। डर को हटा के मन से बटू आगे चल। जीत जा। डराने से घबरा ना आगे जाने से। घबरा ना आगे जाने से। डर के डराने से घबरा ना आगे जाने से। मन में बसे सबके डर का ये धर्म। मन से हटा दे इसे अपना ये गरम। मन में बसे सबके डर का ये धर्म। मन से हटा दे इसे अपना ये गरम। पोंपू वही करता जो उसका डरपोक दिल कहता। एक दिन डोंपू मामा उनसे मिलने आए। पोंपू घर पे नहीं था तो माँ ने अपने भाई से अपना दुख बताया। ये तो बहुत गलत हो रहा है। देखो ना डोंपू भैया, समझ नहीं आता क्या करूँ इस लड़के का। कहाँ है पोंपू? खुद में मगन घूम फिर रहा होगा कहीं। डर गए मुझसे? हाँ, पकड़ो पकड़ो।
पहले डोम्पू मामा से गले तो लगो। डोम्पू मामा? आप डोम्पू मामा हो? ओ मामा, बिना वजह ही डर रहा था ना, सीख गया ना उड़ना। अरे हाँ, थैंक यू मामा। समझे? बिल्कुल समझ गए नानी माँ।